हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सत्तर में पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आप है मेरे राइजिंग स्टार। आपने कहा सर न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, तो आज बारी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। इसके थ्योरी चैप्टर को आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी को मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दे रहा हूं। आज न्यूमेरिकल्स तो बात करते हैं इसमें स्पीड को चेंज करने की। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे एक ट्रिक दे दूं आपको स्पीड के फॉर्मूले को याद करने की, आइए फॉर्मूले का ट्रिक दे देता हूं। देखिए ये बना दीजिए, आपको याद रहेगा। ये क्या है सर? ये है डी एस टी। हाँ ऐसे याद कर लो, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, फॉर्मूला है स्पीड इन टू टाइम। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है देखिए अब एस, दैट इज स्पीड का फॉर्मूला है यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले दे दिए आपको समझाने के लिए कि कैसे आप इन तीनों का रिलेशन समझेंगे। बट अब हमारा टॉपिक है स्पीड को चेंज करना है। आगे एक ट्रिक से समझते हैं। वैसे एक बेसिक रूल है कि अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है और आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप इस किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये ट्रिक तो तुमको मालूम थी, पर अब ये बताते हैं कि ये आया कैसे और भी अगर चेंजेस हों तो कैसे निकालेंगे। तो ये है एक कॉमन सा रूल, ठीक है। हाँ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करना होगा तो ये रूल रिवर्स हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। आइए देखें पहले ये रूल कैसे आया। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर गिवन है। और बनाना क्या है हमें? हमें बनाना है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, यही है। तो देखिए किलोमीटर को मीटर बनाना है, ध्यान से देखिएगा, बिग को स्मॉल बनाना है। बिग क्यों कह रहा हूं? किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, आपको पता ही है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है और मीटर तो छोटा होता है ना। जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में खरीदते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर या आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं। तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, ये छोटा है, तो हम कहते हैं इसको BSM। सर ये क्या नई चीज बता दी आपने? हाँ ये ही बता दिया, ये ट्रिक कहीं भी और किसी जगह उपलब्ध नहीं है। हाँ मैं आपको ये याद करा दे रहा हूं, आप BSM करेंगे, दैट इज बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, मतलब बड़े यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता ही है, क्या पता है आपको? कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर बड़ा है, एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका मतलब है हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब याद रहेगा, हाँ BSM, इससे याद रहेगा, बिग टू स्मॉल वी हैव टू मल्टीप्लाई। दूसरा, हाँ मैंने कहा था ये कहीं भी किसी भी चैनल पे या और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ये ट्रिक्स सिर्फ यही मिलती है आपको, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब आपको किलोमीटर को क्या करना है? सेकंड में, सॉरी किलोमीटर बोला, आवर को चेंज करना है सेकंड में, ये भी करना है। आओ कर लेते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। इसी तरह आगे 3600, अगेन आवर बड़ा है सेकंड छोटा है, दैट इज बिग को स्मॉल बनाना है। आप क्या करेंगे? फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/18। नहीं यकीन हो रहा है? आओ करके दिखाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों जीरो सिंप्लीफाइड हो गए, कट गए, 2 5 जा और 2 18 जा, सो आपके पास क्या आंसर आ गया? 5/18। अब क्लियर हो गया कैसे आया 5/18। तो अब मेरे पास यूनिट क्या दिया है, कितनी दी है? यहां पे 72 दिया हुआ है, देखिए यहां वैल्यू क्या दिया हुआ है इस यूनिट के आगे, 72। तो अब इस 72 किलोमीटर को क्या करना है? मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 4 जा 72। देखा ये 18 4 जा कैसे, इसे मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 5 4 जा 20, सो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप कभी नहीं भूलेंगे BSM, क्या कहते हैं, ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। तो
तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा राइजिंग स्टार्स कि आपको जब आप फिजिक्स या कोई न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट करते हैं तो प्लीज देखा मत करिए, साथ में नोटबुक लेके बैठ जाइए और प्लीज लगाइए। आपके पेन डाउन करने से आपको ऑटोमेटिक ये न्यूमेरिकल्स याद भी हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। टीचर कोई भी नंबर देगी आप यू सॉल्व कर देंगे। चलो इसको करते हैं साथ में। अच्छा ये अपोजिट आ गया, इस बार अपोजिट क्या है देखिए, आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। चलिए इस बार क्या है, इस बार ये छोटा यूनिट है, मीटर छोटा है, आपको मीटर को क्या बनाना है, किलोमीटर बनाना है। जब मीटर को किलोमीटर बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है, तो क्या करेंगे, एस बी डी। यार ये क्या नया बला है, हाँ मैंने कहा था ना यही मिलती है आपको सारी ट्रिक्स। स्मॉल यूनिट को बिग बनाने के लिए डिवाइड करो, ठीक है, मतलब अगर यूनिट छोटी है आप उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक आपको हर बार, आपको और भी जगह काम आने वाली है, ध्यान दे दीजिए। क्या करना है, एस बी डी, स्मॉल यूनिट टू बिगर यूनिट यू हैव टू डिवाइड। तो आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर बनाना है, मीटर छोटा होता है, बताया था मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अब छोटे को बड़ा बनाना है, आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए कहां लिख रहा हूं, थाउजेंड देखिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर लिखना मतलब डिवाइड करना। तो आपने क्या किया, मीटर को थाउजेंड से डिवाइड कर दिया, वन थाउजेंड, क्यों, क्योंकि वन किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होता है। सिमिलरली सेकेंड को क्या बनाना है, आवर बनाना है, फिर सेकेंड छोटा होता है, सेकेंड छोटा वर्ड होता है, छोटा यूनिट होता है, और आवर क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है। फिर से क्या करोगे, डिवाइड, एस वी डी। तो अब ये खुद डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। समझ में आया, तो 3600 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपके पास आ जाएगा 25 जा 218 जा। तो इसका मतलब है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास यहां पर, 15। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं, 15 into 18/5, 5 1 जा 5 3 जा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 1 जा 3 और 2 5, 54 किलोमीटर पर आवर। क्या किया आपने, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, आपने भी कर लिया। आइए अब थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा यूनिट चेंज करके करेंगे, ठीक है। आओ करते हैं मैं और तुम मिलकर के एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और करते हैं, जहां पर आपको अब थोड़े डिफरेंट यूनिट मिलेंगे। जैसे कि इसको आपको कह रहा है कि आप इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, ये तो अब आपको पता चल गया है, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 5/18, मतलब 15 जा 5/18। आप इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर यूनिट मीटर पर सेकंड में आ गया। यहां तो सिंपल था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आगे थोड़ा चेंज होने वाला है। अब आपको किलोमीटर पर मिनट को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, आपके पास गिवन है किलोमीटर पर मिनट और आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, है ना। तो किलोमीटर को मीटर बनाना है, मतलब बड़े यूनिट को छोटा बनाना है, मतलब बी को एस बनाना है तो करना पड़ेगा एम, याद है, बी एस एम, याद कर लो, क्या बी एस एम, बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, किलोमीटर बड़ा है छोटा यूनिट बनाना है मीटर, मल्टीप्लाई करोगे बी एस एम। अब उसी तरह से मीटर बड़ा होता है सेकंड छोटा होता है, और आपको यह भी मालूम है, सॉरी मीटर बोला, मिनट, मिनट बड़ा होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, यहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 60। अब आपको पास गिवन क्या है, देखिए 18 किलोमीटर पर मिनट, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, हाँ सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 जा 2 5 जा, सो आपके पास आ गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 50/3, 3 1 जा 3 6 जा, तो 5 6 जा 30, तो 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपने किलोमीटर पर मिनट को भी चेंज कर दिया। इस तरह से किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब तो एक बीएसएम याद रखेंगे, बीएसएम, और दूसरा एस बी डी अब नहीं भूलेंगे पक्का, ठीक है, आगे भी काम आएगा आपको। ये बार बार कई बार सोचना पड़ता था ना
कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो अब नहीं सोचना है, ठीक है, इससे ना। अब यहां पे देखिए आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको कह रहा है अरेंज द स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटी स्पीड पहले, उससे बड़ी स्पीड और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इसकी सबकी स्पीड का यूनिट अलग अलग है, आपको इन सबको एक यूनिट में चेंज करना है, या तो सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो या सबको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। तो हम करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज, तो पहली बनी हुई है, दूसरी यूनिट को चेंज कर देते हैं। यहां पर है मेरे पास 1 किलोमीटर पर मिनट, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारी यूनिट एक जैसी होगी तभी आप बता पाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। बता दिया था क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर बड़ा है, हम छोटा यूनिट बना रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां पर आ गया आपके पास 50/3, 50 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। सो 3 1 3 बचा 2, 16.66 करते जाएंगे, राउंड फिगर कर देता हूं, 16.67 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया इसका आंसर, ठीक। अब बचा कौन, किलोमीटर पर आवर, 18 वाला, ये वाला, आइए इसको देखते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से तो 18 बन जा, आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास तीनों यूनिट मीटर पर सेकेंड में चेंज है। सबसे छोटी यूनिट आपको कौन सी दिख रही है, इसकी, क्यों, इसकी यूनिट है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये रहा आंसर, सबसे छोटी यूनिट है किसकी, ये रही, ये 18 किलोमीटर पर आवर की यूनिट सबसे छोटी आई है 5। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 10 मीटर पर सेकेंड, और उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है ये 1 किलोमीटर पर मिनट, जिसकी वैल्यू थी 16.67। तो आपने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, क्लियर है। आओ आगे बढ़े, साथ में लगा रहे हो, ग्रेट। याद रखिएगा, देखने से नहीं आएगा, और हो सकता है देखते समय आपको लगे अरे सर ये तो बहुत इजी है सर, यूं हो जाएगा, पर जब आप लगाने बैठते हैं तो गड़बड़ने लगती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए साथ लगाओगे, कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। हाँ, अगर लगता है आ रहा है, मुझसे पहले आ रहा है, तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर अपने आप लगा लो, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप देख लीजिए और फिर लगाइए, पर लगाइए जरूर। चले, यहां पर है अ ट्रेन टेक्स 3 आवर, टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और स्पीड भी दे दिया। स्पीड का सिंबल आप क्या करिए, वी लगा दिया करिए, आपके फिजिक्स में स्पीड का सिंबल वी है, फाइनल स्पीड रहेगी तो वी, ठीक है, और इनिशियल स्पीड रहेगी तो यू, तो स्पीड का सिंबल वी लगा दिया, और 65 किलोमीटर पर आवर। तो आपके यूनिट तो मैच कर रहे हैं, देखिए आवर आवर है, यूनिट मैच कर रहा है, यूनिट का कोई इशू नहीं है, है ना, यहां भी आवर में है टाइम, और ये किलोमीटर पर आवर में यूनिट मैच कर रहे हैं। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल होता है फिजिक्स में एस, स्पीड का सिंबल नहीं है, स्पीड का सिंबल नहीं है, एस डिस्टेंस का सिंबल है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एस निकालना है, आपको फॉर्मूला याद ही है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, दैट इज स्पीड इज इक्वल, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हमारे पास स्पीड है 65, टाइम है 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 195 किलोमीटर, ये रहा आपका डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा, ध्यान दीजिएगा, आपने यूनिट ध्यान से लगाना है, यूनिट न लिखने पर आपके नंबर कटने वाले हैं, इसीलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट द यूनिट। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ कार ट्रेवल्स, इसको ध्यान से देखिए, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको कार का डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, ठीक, और करते हैं कुछ इस तरीके से, क्या क्या गिवन है आपके पास, आपके पास है डिस्टेंस 30 किलोमीटर और स्पीड दे दिया, ये रही स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सेम है तो टेंशन नहीं है, देखिए ये यूनिट यूनिट मिलाइए, किलोमीटर किलोमीटर है ना, जब सेम यूनिट तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग होगा, जैसे आपको स्पीड दे दे मीटर पर सेकंड में और टाइम डिस्टेंस दे दे मीटर में किलोमीटर में, तो चेंज हो जाना कर, तो स्पीड को चेंज कर लोगे आप। हाँ, दूसरा देखिए, नेक्स्ट 30, फिर डिस्टेंस कितना है 30
40 किलोमीटर। इस बार स्पीड कितनी लग रही है, इस बार स्पीड लग रही है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में, क्या निकालना है आपको, पूछा है टोटल टाइम। पहले टाइम एक एक करके दोनों का निकालें, दो पार्ट में जर्नी है। तो टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 अपॉन स्पीड 60। सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आवर, ठीक, हाफ आवर। पहला आ गया टाइम, वापस आ जाए दूसरा क्वेश्चन देखें, यहां पर टाइम निकालें, फॉर्मूला वही चलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 30 अपॉन 40 दैट इज 3/4 आर। टाइम मिल गया दोनों का, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। सो टोटल टाइम क्या है आपके पास, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2+3 दैट इज 5/4 या 1/4 आर, ठीक। ये हो गया आपके पास टोटल टाइम, टाइम आ गया आवर में, टाइम आ गया। आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखेंगे फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए बन जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टाइम को ऐड कर दीजिए। तो हमारे केस में डिस्टेंस कितना कितना है, पहला डिस्टेंस है 30, दूसरा डिस्टेंस है 30, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30+30 60, और टाइम हमारे पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं टोटल टाइम, ये रहा टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम हमारा 5/4, तो डिवाइडेड बाय 5/4, तो जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर होता है वो कहां चला जाता है, न्यूमरेटर। तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब हट जाएगा 5 1 जा 5 12 जा, तो आपके पास आंसर आ गया 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आर। तो एवरेज स्पीड आ गई, क्लियर है, 48 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, अपना रुकना नहीं है, ठीक है, जब तक ये पहली एक्सरसाइज खत्म नहीं करते हैं रुकेंगे नहीं। आइए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 2 आवर्स टू रीच, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन, रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए, ठीक है, एक ट्रेन क्या कर रही है, स्टेशन ए से बी जा रही है, ठीक है, टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 2 आवर, ठीक है, यहां गिवन हो गया, एंड देन 3 आवर, और फिर वो लौट भी रही है। इस बार वो स्टेशन बी से कहां आ रही है, स्टेशन ए आ रही है, इस बार ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए लौट जा रही है, टाइम ले रही है 3 आवर का, लगता है धीरे चलती है, लगता है ट्रेन लौटते समय थोड़ी स्पीड धीरे हो गई है ना, टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस कितना है, एस कितना लिखता हूं, डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। पूछा क्या है, पहले पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिक्स है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस आपने बताई दिया मुझे कितना है, 200 जाने का डिस्टेंस और 200 आने का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, क्लियर। और टोटल टाइम क्या है, 2+3, जाने का टाइम 2 और आने का टाइम 3, 2+3 5, तो आपके पास आंसर आ गया 80। सो आपके पास एवरेज स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो जैसे ही वेलोसिटी आ जाता है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, आओ देखें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन भी यही है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, टाइम आप 5 लिखेंगे भी
तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है, क्योंकि बॉडी अपने इनिशियल पोजिशन पर वापस लौट गई है। सोचिए कार है जो सर्कल में मूव कर रही है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर कार उस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है तो उसका डिस्टेंस तो होगा, क्या डिस्टेंस होगा, उसका सर्कमफ्रेंस, पर उसका डिस्प्लेसमेंट हाँ जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, सोचिए एक बॉल है जो आपने 10 मीटर ऊपर फेंका और वो वापस आपके हाथ में आ गई, तो उसका डिस्टेंस तो है 10 and 10, डिस्टेंस है 20 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बॉडी अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब और समझ में आएगा। इसलिए आपका थ्योरी का कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जब आपका थ्योरी कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो आपको न्यूमेरिकल समझ में जल्दी जल्दी आएगा। चलो इसको देखते हैं, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, डिस्टेंस दे दिया कितना 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, क्लियर कट है, देखिए डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन दे दिया है, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 1 किलोमीटर, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है और टाइम दे दिया है 100 सेकेंड, आपको निकालना है स्पीड। पहले चीज इस किलोमीटर को क्या कर दें, 1000 मीटर लिख दें। अब आपके पास स्पीड का फॉर्मूला फिक्स है, क्या है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 1000 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, आपका आंसर आ गया। आगे आंसर, आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, वेलोसिटी, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन दिया है, देखिए क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी बता दी आपको, डिस्प्लेसमेंट बताया, वेलोसिटी बताया, तुम तो मुझे और वेक्टर क्वांटिटी बताओ जो मैंने बताई उसके अलावा, टू मोर वेक्टर क्वांटिटीज तुम्हें बतानी है, ठीक, हाँ भाई टाइप करो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, मैं हर एक को लाइक भी करूंगा उसमें, आपने सही लिखा होगा तो लाइक कर दूंगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी अगेन कितना है, 1000 मीटर है और टाइम तो चेंज हो ही नहीं रहा था, तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, पर आगे आप डायरेक्शन जरूर लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, क्लियर है, ये आपके पास आ गई वेलोसिटी, क्लियर, सिंपल था ना, हाँ दोनों इजी था। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे ऐसी लैंग्वेज लिखा रहे, एक बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, तुम अभी अपने घर पे हो और अपनी एक्टिवा या मोटरसाइकिल पे हो, हाँ एक्टिवा होगी तुम्हारे पास ना, तो जब तक गाड़ी रुकी है देखिए जीरो दिखता है, तो इसका मतलब है आपकी इनिशियल स्पीड एट रेस्ट होने पर जीरो होती है। इनिशियल स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू कितना है जीरो, और बाद में जो वेलोसिटी आती है जब बॉडी चलने लगती है रोड पे आ जाती है, तो वेलोसिटी जो बाद में आती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है वी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल यू, फाइनल वेलोसिटी वी, और कितनी है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे दिया 2 सेकेंड, आपसे कह रहा है क्या निकालिए, एसीलरेशन, व्हाट इज एसीलरेशन, एसीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, तो वेलोसिटी के बदलाव को कि चेंज को कहते हैं एसीलरेशन। तो यहां पर ए का फॉर्मूला, एसीलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू का दूसरा नाम क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, सो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, नंबर कट जाने हैं तुम्हारे, ठीक है, क्लियर है, एक्सीलरेशन आ गया, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, आप फॉर्मूला सही लिखेंगे, फॉर्मूले पे नंबर है, याद रखिएगा, ठीक, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं। आइए इस बार क्या दिया आपके पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, U जीरो हो गया, अक्वायर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आ गई 180 मीटर पर सेकेंड। इस बार टाइम आपको परेशान करने के लिए क्या कर रहा है, आवर में दे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है 0.05 आवर, मल्टीप्लाई कर दो उसको 3600 सेकंड से। सर आपको कैसे मालूम चला कि 3600 मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बताया था, BSM, क्या सिखाया था, BSM, बड़े यूनिट को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है, आवर बड़ा है
आवर बढ़ा है, मुझे सेकंड में बनाना है। सर सेकंड में क्यों बनाना है बताया, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है तो सेकंड में टाइम चाहिए तभी तो सॉल्व हो पाएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दो डेसिमल यहां से चला जाएगा। देखिए चला गया दो डेसिमल, अब आपके पास आ गया 36 × 5, 5 6 30 का जीरो बाकी 3, 5 3 15 और 3 18, तो 180 सेकेंड टाइम आ गया। अब आपके पास क्या है, एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, आपका v है 180 माइनस 0 अपॉन 180, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, हटा दो भाई जीरो वहां से, तो 180 अपॉन 180 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, सो आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, आओ आगे बढ़ते, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठहरना नहीं है जब तक एक्सरसाइज खत्म ना हो जाए। चलो, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम ए टू ए, देखिए इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो पहले दी हुई है, और ये जो बाद में दी है वेलोसिटी वो है फाइनल वेलोसिटी, और इस बार दिख रहा है कि आपकी वेलोसिटी घट रही है, क्या आपकी स्पीड कम हो रही है, तो ज्यादातर जब स्पीड कम होती है तो आप समझ जाइए आप रिटार्डेशन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, रिटार्डेशन में उल्टा होता है, स्पीड गिरती रहती है, ठीक है, स्पीड कम होती है, हमारे केस में रिटार्डेशन हो रहा है। सर आपको कैसे मालूम, आओ करते हैं फॉर्मूले से देख जाएंगे, फॉर्मूले से देख लेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला दिया मैंने आपको, आपका वी 20 - 50/3, देखा आपने आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है, -30/3, दैट मींस -10 m/s², तो आपका एक्सीलरेशन हो गया नेगेटिव में, तो व्हेन एक्सीलरेशन इज इन नेगेटिव इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, ठीक, नेगेटिव ऑफ द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। और ऐसे भी पता चल गया आपको, यहां देख के पता चल गया कि आपकी स्पीड 50 से घट के 20 हो रही है, स्पीड वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, रिटार्डेशन, ठीक है। जब आप घर लौट रहे होंगे इमेजिन करिए, तो आपकी स्पीड धीरे 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 जैसे से घर के नजदीक पहुंचेंगे स्पीड तो कम होगी ही होगी, तो जब घर लौट रहे हैं तो रिटार्डेशन, और घर से गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो एक्सीलरेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अ टॉय कार एग्जांपल है, टॉय कार का विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 km/h, देखिए एक कार है जो मूविंग कर रही है, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 18 km/h, लिखा है कम्स टू रेस्ट, मतलब चलती हुई कार आके रुक जा रही है, तो इसका मतलब बॉडी बाद में आके रुक रही है, इसका मतलब वी इसका जीरो है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, फाइनली कार आके क्योंकि रुक जा रही है, ठीक। और टाइम दिया हुआ है किसमें, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, देखिए फिर गड़बड़ कर दिया, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया सेकंड में, तो दोनों तो सॉल्व हो नहीं पाएंगे आपस में। हाँ, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। सर 5/18 से क्यों, अरे भाई इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, तो 18 बन जा, बचा क्या 5 m/s, तो आपके पास क्या आ गया, इनिशियल स्पीड सही हो गई, मीटर पर सेकंड में आ गई, और यहां देखिए आगे बोला भी है कि आंसर किसमें चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, और क्लियर कर लिखा रिटार्डेशन चाहिए, तो आप ए का फॉर्मूला लगाइए, वी माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला है, वी आपके पास जीरो है, -5/2, सो क्या जाएगा -2.5 m/s², देयरफॉर रिटार्डेशन इज 2.5 m/s², क्लियर है, समझ में आ गया। चलो साथ में लगा रहे थे, बिग लाइक टू यू, आगे बढ़ जाता हूं, अ कार एक्सीलरेट्स, तो आपको एक्सीलरेशन दे दिया, क्या दे दिया एक्सीलरेशन 5 m/s, ए दे दिया एक्सीलरेशन दे दिया, अच्छा यहां पे ए स्क्वायर होना चाहिए, मिस्टेक है, 5 m/s², ठीक। फिर क्या लिखा है, फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी, क्या निकालना है, इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब v माइनस यू निकालना, इसे कहते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी, और क्या दे दिया, टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया 2 सेकंड, तो आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, इस बार आपको ये v माइनस यू निकालना है, मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो, आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी,
एक्सीलरेशन कितना है आपके पास 5, टाइम कितना है 2, सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन वेलोसिटी। सही है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैंने कहा था सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, आपको फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई करना आता क्लियर है, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे समझते हैं, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, चल रही है कार एक वेलोसिटी से, इसका मतलब है u इसका 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही आप चलती हुई कार में ब्रेक लगाओगे तो स्पीड तो कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो रही है और रिटार्डेशन बता रहा है। क्या बता दे रहा है? रिटार्डेशन, ये नहीं बता रहा है कि वेलोसिटी कितनी आएगी। ठीक है, और क्या गिवन है? आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम भी दे दिया मुझे 5 सेकेंड। ठीक, क्या नहीं दिया, मिसिंग क्या कर दिया, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी। ये पूछ भी रहा है व्हाट विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, वो जो वेलोसिटी 5 सेकेंड बाद होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आपके पास तो सब कुछ है, आप रिटार्डेशन का फॉर्मूला लगाइए, वी माइनस यू अपॉन टी। ध्यान दीजिएगा, रिटार्डेशन में आंसर नेगेटिव में होता है, याद है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास रिटार्डेशन दिया हुआ है 2, ठीक, और यहां पर वी हमको फाइंड करना है। ठीक, याद रखिएगा वी जो कि है वेलोसिटी, ठीक, वो एक और फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, वो फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ईटी, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू, सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये पूछ रहा, अरे ये फॉर्मूला इससे आया, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो पहले हो गया एटी, ठीक है, यहां पे हो गया एटी और ये यू यहां से इधर आ गया, तो हो गया वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक, पर हमारे केस में रिटार्डेशन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। कैसे मालूम चला, क्योंकि यहां क्लियर कट लिखा है रिटार्ड, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक, तो हमारे केस में क्या है, वी मालूम नहीं है मुझे, यहां पर जो साइन दिया हुआ है वो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है 5, यहां पे लगा देंगे आप माइनस साइन। ठीक है, तो आपके पास अब आ जाएगा आंसर, ये रहा 2 5 जा 10, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिटार्डेशन है, 10 इज इक्वल टू वी माइनस 20, अब ये माइनस 20 उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 20, सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू वी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। माइनस साइन क्यों लगाया, यहां पर रिटार्डेशन बोला था, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, एक्सीलरेशन का नेगेटिव होता है। क्लियर, आइए आगे करते हैं। अ बाइसाइकिल मूव्स, अ बाइसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो यू दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एक्सीलरेट्स फॉर 5 सेकंड्स, टाइम दे दिया 5 सेकंड, फिर एक्सीलरेट भी बोल रहा है क्लियर कट, देखिए एक्सीलरेट, एक्सीलरेट कितना कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूछा क्या है वी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, यहां पे प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, रिटार्डेशन नहीं है, यू है 5, ए है आपके पास 2 और टाइम है 5, सो 5 प्लस 10, आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड, सो फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, अ कार इज मूविंग, एक एक क्वेश्चन जो आपकी बुक का है, हर एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फिजिक्स के पेपर जो कि थोड़े से टफ आते हैं, थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं ना, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने एक एक लेसन को एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए, और अब इसके हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, चैप्टर 1 का भी न्यूमेरिकल, हाँ मेजरमेंट वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, देखिएगा। नहीं मिल रहा है चैप्टर, ये कह रहे हैं, अरे भाई टाइप करो न्यूमेरिकल ऑन मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, चैप्टर का नाम लिखा और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी, चेक करके देखना। हाँ, अब आपके लिख पास लिखा है अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास यू दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, इट इज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब कार चल रही थी फिर बाद में रुक गई, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, कितनी देर लगा उसको, टाइम कितना लगा 5 सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ कार,
ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो आपके पास आ जाएगा 5 m/s स्पीड ऑफ कार, पहला पार्ट तो आ गया। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, सो आंसर इज -1 m/s². क्लियर, ये हो गया रिटार्डेशन क्योंकि नेगेटिव साइन है। तीसरा पार्ट पूछा है स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 seconds ऑफ अप्लाइंग ब्रेक, अब आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है, आपको निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड वी आफ्टर 2 seconds, तो इसका मतलब टाइम 2 seconds हो गया और आपको वी निकालना है, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए टी। सर आप तो बोल रहे हैं प्लस ए टी और लिख रहे हैं माइनस, क्योंकि ये क्वेश्चन रिटार्डेशन का है, रिटार्डेशन में एक्सीलरेशन क्या होती है, नेगेटिव में होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं यहां माइनस साइन लगा रहा हूं क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव में, ठीक है, इसीलिए माइनस साइन लगा रहा हूं, तो आपको यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ये रहा यू आपके पास 5 - a, a कितना है 1 और टाइम कितना है 2, ये ना टाइम दिया आपके पास, तो 5 - 2, सो योर आंसर इज 3 m/s, इसका मतलब है 2 seconds बाद की वेलोसिटी कितनी है, 3 m/s, देख लीजिए कंसेप्ट समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सिमिलर क्वेश्चन दिए जाए, है ना, नंबर चेंज कर दिए जाए, ये पार्ट सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर का, और ये पार्ट मैं तभी बनाऊंगा वीडियो जब आप लिखेंगे कि सर प्लीज पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर बनाइए, जब आप इसका न्यूमेरिकल मुझे बोलेंगे तो ही बनाएंगे, आपके लिए ये पहले पार्ट को मैं अपलोड कर रहा हूं, सो अ बिग लव टू यू एंड आई वॉन्ट लॉट ऑफ मैसेजेस एंड लव फ्रॉम योर साइड, एक ही काम करना है आपको बताना है कि सर पार्ट 2 जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जो कि इसमें ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपको लिखना है सर इसको कराइए, ठीक है, लिखोगे, चलो वेट करता हूं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।